जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। नूरसराय प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सातवें चरण में मतदान 15 नवंबर को होना है। चुनाव अभियान की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई है और प्रत्याशी मतदाताओं के बीच घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। ज्ञात है कि नूरसराय प्रखंड में डोइया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रवि राम के द्वारा सभी गाँव को लेकर टोलों तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। डोइया पंचायत में कुल 10 गाँव हैं, जिसमें डोइया, पथरौरा, परियौना, जमुनापुर, जमुनापुर डी, बिशुनपुर, कुबार बीघा, छतरपुर, हरहरी बीघा और महादेव बीघा शामिल है। इस पंचायत में कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 8400 मतदाता हैं। डोइया पंचायत में रवि राम को जनता के द्वारा अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए निवर्तमान मुखिया हैं और अपने पंचायत में विकास कार्य का काफ़ी कार्य किया है। सरकार के द्वारा दी गई सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर काम किया है, जिससे इस पंचायत के जनता भी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और इसी को लेकर जनता एक बार फिर से पंचायत से रवि राम को ही सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जनता का कहना है कि रवि राम के सफल होने से पंचायत में विकास के कुछ बचे हुए कामों को पूर्णतः मुकम्मल कर दिया जाएगा। सोमवार के रोज मुखिया प्रत्याशी रवि राम के द्वारा परियौना गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग शामिल थे और एक ही स्वर में वह नारा लगा रहे थे कि नूरसराय प्रखंड का डोइया पंचायत के आदर्श पंचायत बनाना है और एक बार फिर से रवि राम को अपना मत देकर सफल बनाना है। इस अवसर पर गांव के जनता के बीच काफ़ी खुशी और उल्लास का माहौल देखने को मिला। मुखिया प्रत्याशी रवि राम ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात कर्म संख्या 3 है और हम अपने पंचायत के जनता से अनुरोध करते हैं कि एक बार फिर अपना बहुमूल्य मत देकर हमें सफल बनाएं और विकास के जो बचे कुचे काम रह गए हैं उसे भी पूरा करने का मौका दें। विकास क्या मुद्दा लेके इस बार मैदान में उतरे हैं चुनाव? मुद्दा तो से पूर्व में मुखिया गिरी कर चुके हैं 5 साल के लिए और 5 साल के लिए अब बहादुर के मैंने वोट मांग रहे हैं। गली सरकार का जो भी गाइडलाइन के माध्यम से आया 7 इंचा का काम, घर घर तक जल का नल पहुँचाने का काम किए, पक्की गली बनाने का काम किए और पेंशन जनरल किया गया तो उसको घर घर जा करके पेंशन बनाने के काम किए। और यह उद्देश्य है कि जिसे जिसे जिनको भी उम्र 65 साल 60 साल होगा उस हिसाब से काम करेंगे और सरकार का जो भी पैसा आएगा पंचायत के लिए उस हिसाब से जो काम अधूरा रह गया उसका पूरा करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बहुत सहयोग हमारा है और यह बना के रहेगा प्यार की, ताकि हम दोबारा जीते सेवा करने का मौका मिले। जीतने के बाद पहला कार्य क्या होगा आपका? जीतने के पहला कार्य जो है, जो भी मैंने काम छूट गया है उनको जोड़ने वाला काम करेंगे और जिनको भी राशन कार्ड में नाम, जो गरीब तबके थे जो बाहर में थे वो आएंगे उनका सबसे पहला वो काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रवि राम नाम हुआ। किस पंचायत से? डोइया पंचायत से। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। हाँ बताइए, इस बार पंचायत में आपके जो मुखिया खड़े हैं किस ढंग का काम किया है? हमारे पूर्व मुखिया जो रवि राम जी हुए हैं, हमारे पंचायत में हर गली हर नाली सबको दुरुस्त किए हैं और है जो कि सरकार का जो वृद्धा पेंशन ये वो सभी के किसी का दिक्कत सब कुछ समस्या लेके चल रहे हैं। गरीबों का मसीहा है वो, हम लोग का मसीहा है, जनता का मसीहा है। ऐसा मुखिया कभी दोबारा नहीं मिलेगा पंचायत में और है जो कि जो मुखिया जी को जो करना है वो सब घड़ी तत्पर तैयार है जनता के लिए और इसी के लिए हम लोग फिर मैदान में उतरे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुन्ना राम नाम है और हम उनका सहयोगी हैं और है जो कि सहयोग करेंगे, हमारे जनता सहयोग कर रहे हैं। रवि राम किसको वोट करने वाले हैं? इस पंचायत में रवि राम जैसा अभी तक मुखिया कोई नहीं हुए हैं और पूरा पंचायत घूम के देख लीजिए, विकास किए हैं और विकास करते रहेंगे। और रही बात जितना भी गरीब आदमी है उनका काम किया गया है, एक काम छूटा है उसको पूरा किया जाएगा। अब नौजवान तबका क्या सोच रहे हैं? पूरा नौजवान सब मतलब कि मुखिया जी को जिताने में लगे हुए हैं और फ्यूचर के लिए वो काम किए हैं और करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। मन बनाए हैं इस बार हम लोग पंचायत में पूरे युवा वर्ग और जितने भी जनता हैं सभी रवि राम को एकदम भारी से भारी मतों के जिताने का काम करेंगे। लगभग 1000+ से जीतेंगे हमारे रवि मुखिया। इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि इनका काम के सामने सभी जनता वोट करेंगे। जनता के दिल में ऐसे बैठे हैं जैसे भगवान बैठे हैं।
क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।